أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محترم سامعین کرام، اب میں جس ہستی کو دعوت سخن دینا چاہتا ہوں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ لاکھوں دلوں کی دھڑکن، سینکڑوں طلباء کے استاد شیخ محترم شیخ محمد اشرف شہزاد سلفی صاحب، شیخ الحدیث مرکز رحمانیہ وسائے والا تشریف لاتے ہیں، قاری اشرف شہزاد سلفی حافظہ اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وہ بیان فرماتے ہیں کہ من احب ان يحبه الله ورسوله، کہ جو آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کریں، آپ سے محبت تو سارے ہی کرتے ہیں، ربیع الاول کا مہینہ گزر رہا ہے، چاروں طرف سے محبت رسول کے نعرے بھی سنے گئے اور دعوے بھی سنے گئے، لیکن یاد رکھیے یک طرفہ محبت کو ذلت ملتی ہے۔ اگر کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اللہ کے محبوب پیغمبر بھی مجھ سے پیار کرے، تو سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں فلینظر، تو وہ آج بھی دیکھ سکتا ہے کہ آیا اللہ کے محبوب پیغمبر کی محبت کے میں قابل ہوں یا نہیں ہوں۔ ایک تو ہے نا موت کے وقت، موت کے وقت تو سب کو پتا چل جاتا ہے کہ میں اس محبت کے قابل ہوں یا نہیں ہوں، لیکن اگر کوئی آج آنکھ کھولنا چاہتا ہے، آج پتا کرنا چاہتا ہے، آج سمجھنا چاہتا ہے
कि आया मैं अल्लाह के महबूब पैगंबर की मोहब्बत के काबिल हूं या नहीं हूं। तो अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं तो वो आज भी अपने दिल से इसका जवाब ले ले, फइन काना युहिब्बुल कुरान फहुवा युहिब्बुहुल्लाहु व रसूलुहु, कि आया उसके दिल में कुरान पाक की मोहब्बत है, कुरान पाक पढ़ते वक्त सुनते वक्त उसके दिल को सुकून मिलता है, अगर उसके दिल में कुरान पाक की मोहब्बत है तो वो आज ही यकीन कर ले अल्लाह भी उससे प्यार करता है, अल्लाह के महबूब पैगंबर भी उससे प्यार करते हैं। क्योंकि ये कुरान पाक मुझे और आपको तो बड़ी आसानी से मिल गए, किसी मदरसे में चले जाए, किसी मस्जिद में चले जाए, हर जगह से हमें कुरान पाक आसानी से मिल जाता है, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह कुरान पाक इतनी आसानी से नहीं मिला था। आपने इसके लिए बड़ी मुशक्कत उठाई है, आपने इसका बड़ा बोझ बर्दाश्त किया है। मेरे साहेब, अगर मेरे बाप ने मेहनत करके कोशिश करके एक एक टका जमा करके मेरे लिए महल बना दिया है, मेरे लिए मकान बना दिया है, तो जितनी उस मकान की मेरे बाप को कदर है उतनी मुझे कदर नहीं, क्योंकि मुझे मुफ्त में मिल गया है। ये कुरान पाक भी मुझे और आपको मुफ्त में मिल गया है, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके लिए इतनी मुशक्कतें उठाई है कि इंसान सोचे तो इंसान का दिल कांप जाता है। सहाबा बयान करते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर हम में तशरीफ फरमा होते, जिब्रील अमीन कुरान पाक लेकर आते तो आपकी सांसें उखड़ जाती थी, सांस रुकने लगता, खराटों की आवाजें आने लगती, आपके चेहरे की रंगत बदल जाया करती थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी मुशक्कत में होते थे कि हमसे आपकी शक्ल देखी नहीं जाती थी, हम आपके ऊपर चादर डाल दिया करते थे। ये मुशक्कत आपने किसके लिए बर्दाश्त की है? कुरान पाक को हासिल करने के लिए। अम्मी ऐसा फरमाती है, मदीना पाक में सख्त सर्दी का मौसम होता, सख्त सर्दी का, और मदीना पाक की सर्दी हमने देखी है, पाकिस्तान में उस तरह की सर्दी नहीं पड़ती। पिछली दफा जब उमरे पे गए थे तो सर्दी हमने उधर की देखी है, पाकिस्तान में उस तरह की सर्दी नहीं पड़ती जिस तरह की सर्दी सर्दी के मौसम में मदीना पाक में पड़ती। मेरी अम्मी ऐसा फरमाती है, सख्त सर्दी के मौसम में अगर जिब्रील अमीन मेरे महबूब पैगंबर के पास वही लेकर आते, कुरान पाक लेकर आते, वैन्ना जबीनहु लयतफस्सदु अरका, मेरे महबूब पैगंबर के पसीने छूट जाया करते थे, आपकी पेशानी से परनाले की तरह पसीना बह रहा होता था। मेरे हजरत, ये मुशक्कत कोई एक बार की नहीं है, कोई एक दिन की बात नहीं, 23 साल और एक एक दिन में कई कई बार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कुरान पाक को इस अंदाज से हासिल किया है। सहाबा बयान करते हैं कि आप ऊंटनी पे सवार होते, जिब्रील अमीन कुरान पाक लेकर आते तो ऊंटनी से आपका बोझ बर्दाश्त न होता, वो जमीन पे बैठ जाती। जब तक जिब्रील अमीन वापस ना जाते वो अपनी गर्दन को हरकत देती रहती, कभी सर को नीचे करती, कभी ऊपर उठाती, कभी जमीन को लगाती, कभी ऊपर उठाती,
हम समझ जाते कि ये ऊंटनी बड़ी तकलीफ में। सैयदना जैद कहते हैं मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक पहलू में बैठा हुआ था, साइड पे बैठा हुआ था। फाखिजु हुआ ला फाखिजी, आपकी रान मेरी रान पे थी, अचानक ही आपकी रान बोझल होने लगी, भारी हो गई। कहते हैं इतना वजन पूरी जिंदगी में मैंने कभी महसूस नहीं किया, मुझे ऐसे लग रहा था जैद आज तेरी टांग टूट जाएगी। और कातबे वही अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रजी अल्लाह तआला ने एक दफा पूछ लिया था, हल तो हिस्सु बिल वही या रसूल अल्लाह, अल्लाह के हबीब क्या जब जिब्रील अमीन आपके पास वही लेकर आते हैं, कुरान पाक लेकर आते हैं, तो क्या आपको कोई तकलीफ महसूस होती है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें बरस पड़ी, आपने फरमाया अब्दुल्ला मा मिन मर्रतिन युहा इलैया इल्ला जननतु अन्ना नफ्सी तुकबस। अब्दुल्ला कई दफा तो ऐसे लगता है जैसे मेरी जान निकल जाएगी। और बुखारी शरीफ की पहली किताब किताबुल वही में मैंने पढ़ा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब इब्तदाए कुरान कुरान की पहली सूरत आई थी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस घर पहुंचे तो आपका पूरा जिस्म कांप रहा था, कब की कभी तारी है। और आपने कहा मुझ पे चादर डालो, आप पे चादर डाल दी गई। काफी देर के बाद आपकी तबीयत संभली, सैयदा खदीजा कदमों में बैठ गई, मेरे सर के ताज मेरे सरदार क्या हुआ? आप रोते हुए फरमाते खदीजा खशी तो अला नफसी, आज तो मेरी जान निकलने लगी थी। फिर मैं कह सकता हूं वो मेरे महबूब पैगंबर का कुछ नहीं लगता जिसने रबीउल अव्वल झंडियों में गुजार दिया है, रबीउल अव्वल चूने बखेरने में गुजार दिया है, रबीउल अव्वल डेक लगा के गानों में गुजार दिया है, और उसका ताल्लुक कुरान पाक से नहीं मिला। जिसका ताल्लुक कुरान से नहीं है उसका ताल्लुक मेरे महबूब पैगंबर से नहीं है। रबीउल अव्वल में मोहब्बत बढ़ती तो तू चाहता अपने बेटे को कहता बेटा मेरे महबूब पैगंबर ने कुरान पाक को बड़ी मुशक्कत से हासिल की है, ये महीना हमने कुरान पाक को सीखना है, बेटो फलां फलां सूरते जबानी याद करनी। अगर ऐसा शौक आया तो मोहब्बत मुबारक हो, शौक नहीं आया धोखा मत दो, ये मोहब्बत को बाजारी मोहब्बत नहीं है, हुल्लड़बाजी वाली शोलेबाजी वाली। ये तूने बाजारी इश्क और मोहब्बतें देखी है लेकिन याद रख ये मोहब्बत बाजार वाली नहीं है, ये मोहब्बत सहाबा जैसी अल्लाह को चाहिए। अल्लाह कहता है फाइन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फकद इहतदौ। मोहब्बत रसूल ईमान है, ये ईमान ऐसे लाओ जैसे सहाबा इकराम लाए। वो अपने बच्चों को हाफ़िज़े कुरान सिखाते थे, वो झंडिये सिखाने वाले। उस दौर में झंडिये नहीं थी, चूने नहीं थे, नारेबाजी नहीं थी, लेकिन साहबा इस मोहब्बत का इजहार कैसे करते थे? वो अपने बच्चों को हाफ़िज़े कुरान बनाते थे। जिसके पास एक बेटा है उसने एक हाफ़िज़े कुरान बनाया, जिसके पास दो बेटे हैं उसने दोनों हाफ़िज़े कुरान बनाए, जिसके पास तीन है जिसके पास चार है जिसके पास पांच है उसने पांचों बेटे हाफ़िज़े कुरान बनाए। तेरी मेरी ये हालत है, जो स्कूल नहीं चलता उसको खाते डालो मदरसे वालों के। लेकिन जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करते थे ना, उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि हमारे हबीब ने इसको हासिल करने के लिए कितनी मेहनत की।
वो फिर अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान ही बनाते थे, भले कितने ही बेटे क्यों ना हो जाए। मैंने सही बुखारी में पढ़ा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जोड़े को शादी के बाद बरकत की दुआ दी थी, बरकत की। दिल पे हाथ रख के सुनने वाली बात है, उनकी मोहब्बत की दास्तानें कैसी दास्तानें थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का असर है, कानत लहुमा तिसअतु औलादिन, अल्लाह पाक ने उस जोड़े को 9 बेटे अता किए थे, 9 बेटे। और उनकी मोहब्बत को, उस जोड़े की मोहब्बत को मैंने बुखारी में पढ़ा है, कुल्लुहुम कद करा अल कुरान, वो भी तो मां बाप थे, उन्होंने अपने 9 के 9 बेटों को सबसे पहले हाफ़िज़े कुरान बनाया। तू मस्जिद में ले जाना अपने बच्चों की तोहीन समझता, तू सरदार है, तू वडेरा है, बच्चा मस्जिद में जाके सवारा भी नहीं पढ़ सकता और तू खुश फहमी में मुबतला है, मैं सबसे बड़ा आशिक़े रसूल हूं। याद रखिए, आपकी मोहब्बत उसको मिलती है, अल्लाह की मोहब्बत हो, अल्लाह के महबूब पैगंबर की मोहब्बत हो, ये मोहब्बत की पहली सीरीज समझिए, जिसका ताल्लुक कुरान से है उसका ताल्लुक अल्लाह के पैगंबर से है, जिसका ताल्लुक अल्लाह के महबूब पैगंबर के मिली हुई किताब कुरान पाक से नहीं है, उसका ताल्लुक मेरे पैगंबर से नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते चलते सैयदना उबई बिन काब के पास पहुंचे, खड़े हो गए, अल्लाह के हबीब आप मेरे पास चल के तशरीफ लाए, अल्लाह के हबीब आप पैगाम भेजते, पैगाम भेजते, गुलाम आपके पास आ जाता। आपने फरमाया, उबई मैं तेरे पास अपनी मर्जी से तो नहीं आया, आपकी तरफ मुझे मेरे रब ने भेजा है कि उबई को जाके कुरान सुना, मुझे अल्लाह ने तुझे कुरान सुनाने का कहा है। सैयदना उबई की आंखों में आंसू आ गए, रोते हुए अर्ज करते, अल्लाह के हबीब असम्मानी अल्लाह, अल्लाह ने यह कहा होगा किसी को आप सुनाए, या अल्लाह ने अरश में मेरा नाम लिया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में भी आंसू है, आपने फरमाया, उबई सम्माक अल्लाह, आज अरशों के मालिक ने अरश पे तेरा नाम लेके कहा है कि उबई आपकी उम्मत का कारी है, उसको जाके कुरान सुनाओ। इधर तो प्रोटोकॉल उसको मिलता है, मेरे साहेब जिसके पास कुरान की डिग्री होती, तुझे पता नहीं किसी ने बाईपास गलत बता दिया है, किसी ने शॉर्टकट रास्ता तुझे मुझे गलत बता दिया है, बस साल में एक दिन जलसा करवा ले, साल में एक दिन मिलाद मना ले, तुझसे बड़ा आशिक कोई नहीं, ये एक दिन की मोहब्बत नहीं है मेरे साहेब, ये मौत तक की मोहब्बत है। एक दिन की मोहब्बत कौन सी मुश्किल काम है, ये तो आप किसी को भी 1000 का नोट देना वो शाम तक आपके नारे लगाता फिरेगा, ये वो मोहब्बत नहीं है जो आपने समझी है। ये मोहब्बत सहाबा जैसी हो, उबई बिन काब के पास कौन सी डिग्री थी कि अल्लाह ने उनका नाम लिया, अल्लाह के महबूब पैगंबर उनके पास चल के आए, क्या उनके पास कुछ लंबा चौड़ा बिजनेस था, कुछ सोना चांदी था, कोई आलीशान घोड़ों जैसी सवारियां थी, नहीं नहीं, उनके पास कुरान पाक की डिग्री थी, वो कुरान पाक खूबसूरत से पढ़ते थे, वो कुरान पाक की कदर करने वाले थे, अल्लाह के यहां भी ताल्लुक कुरान पाक वालों का है, और मेरे महबूब पैगंबर के यहां भी फिर सबसे आला मुकाम उनका था जिनके पास कुरान पाक की डिग्री थी।
देखना ओहद के शोहदा है, इधर को कसर बाकी रह जाती। ओहद के शोहदा कौन? शोहदा जो कितने खुश नसीब थे जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाजें पढ़ी, आपके खिताबात सुने, आपकी खिदमत की, दिन में कई कई बार आपके चेहरे पाक का दीदार करने वाले। लेकिन इनसे भी बढ़कर ये थे, वो है जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा करते करते अपनी जान कुर्बान कर दी। इस तो जिहाद में भी कोई शक नहीं था, ये तो अल्लाह के महबूब पैगंबर के साथ मिलकर आपका दिफा करते करते इन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश किए। इधर कोई शान की कसर बाकी रह जाती? लेकिन साहबा बयान फरमाते हैं सही बुखारी में, सही मुस्लिम में, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला किया कि मेरे साहबा तीन तीन चार चार की एक एक कब्र बना दो। लेकिन जब किसी तीन चार की कब्र तैयार हो जाए तो मुझे इतला जरूर देना, मुझे पहले इतला देना, मैं खुद हाजिर होगा, मैंने हर एक की तदफीन पे हाजिर होना है, मुझे इतला देना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतला दी जाती, अल्लाह के हबीब एक कब्र तैयार हो चुकी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते, अल्लाह के हबीब इन तीन चार के लिए ये कब्र तैयार है। आप करीब आके सहाबा कहते हैं हमसे एक सवाल करते थे, एक सवाल जो तूने मोहब्बत और गुस्ताखी का मियार समझा है, जो मुझे तुझे इस माशरे में सिखाया गया है, मेरे साहेब गुस्सा ना करना वो और है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सवाल नहीं किया था कि बताओ इनमें से मेरा मिलाद मनाने वाला कौन है, झंडिये लगाने वाला कौन है, चूने बखेरे नारे किसने लगाए जाते, यह भी नहीं पूछा कि इनमें से मुझे बताओ सबसे ज्यादा मेरे पीछे नमाजें किसने पढ़ी, यह भी नहीं पूछा। इनमें से सबसे ज्यादा मेरी खिदमत कौन करता था, ये नूरी इलम है, नूरी इलम के उस्ताद की सोच जो उस वक्त थी आज भी वही है। इस इलम का उस्ताद खिदमत से राजी नहीं होता, सबक से राजी होता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी नहीं पूछा मेरी खिदमत करने वाला कौन था, यह भी नहीं पूछा आज किसने ज्यादा जंग लड़ी है, इनमें से काफिरों को किसने ज्यादा मारा है, नहीं। साहबा कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही सवाल करते थे, वो मेरे साहबा इन तीन चार में से मुझे बताओ अय्युहुम अक्सरु अख्ज़ल लिल कुरान, इनमें से कुरान किसको ज्यादा था, कुरान का कारी कौन, इनमें से खूबसूरत आवाज से कुरान कौन पढ़ता है। साहबा प्यान करते, हम इशारा करते, अल्लाह के अभी भी इनमें से तो ये कारी था, ये कुरान बड़ा प्यारा पढ़ता था, ये कुरान से बड़ी मोहब्बत करता था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद लाहत में उतरते और आप फरमाते ये पहले मुझे पकड़ो जो कुरान से ज्यादा मोहब्बत करता है, मैं उससे मोहब्बत करता हूं, इसको लाओ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों से उसको लाद में उतारते, इज्जत देते, प्रोटोकॉल देते और आप क्या फरमाते, अना अला हाउलाई शहीद यौमल कियामा, ओ मेरे साहबा इनके ईमान की गवाही क़यामत के दिन मैं दूंगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हां भी तल्लु कुरान वाले से, मेरे मोहतरम फिरका वराना से निकलो बाहर, कुरान पाक से ताल्लुक जोड़ो, अपना भी अपनी औलाद का भी
अपने आप को भी कुरान पाक सिखाएं, अपनी औलाद को भी सिखाएं, हिफ्ज करवाएं, तर्जमे के साथ पढ़ें। उलमा तशरीफ ला चुके, आखिरी बात अर्ज करता हूं, बात खत्म करते हैं। अल्लाह पाक ने ये जो कुरान पाक हमें दिया है, अल्लाह पाक ने इसके लिए कोई उम्र की कैद भी नहीं रखी। अब तो 30 साल होगी तेरी उम्र, 40 साल हो गई, अब तू 50 साल का बाबा हो गया, अब कुरान तू सीख नहीं सकता, तेरी उम्र गुजर चुकी है। नहीं नहीं, 40 साल की उम्र क्यों नहीं, और 40 साल की उम्र में कुरान सीखना तो मेरे महबूब पैगंबर की सुन्नत है। जो सियाबी 40 साल की उम्र में मुसलमान हुआ, उसने उधर से कुरान सीखना शुरू कर दिया। किसी की उम्र 50 साल थी, उसने 50 साल में कुरान सीखा है। किसी की जिबान अटकती थी, ज्यादा सबक याद नहीं कर सकते थे, उसको जितना याद होता उसने अपने आप को कुरान को याद करने में लगा दिया, याद करने में। देख जिस तालिब इल्म की, जिस स्टूडेंट की बात मैं करना चाहता हूं, बूढ़ा है, जबान अटकती है, ज्यादा सबक याद नहीं कर सकता, आधा सफारा पाओ सफा वरक नहीं याद होता, सिर्फ एक आयत याद कर सकते, एक आयत। अल्लाह पाक तो दिल देखता है ना, शान देने के लिए, इसके दिल में इज्जत कितनी, इसके दिल में लगन कितनी, इसके दिल में प्यार कितना है। दिल कुरान की मोहब्बत से भरा हुआ था, भले वो तो आंखों से भी नबीने थे, उनको दिखाई भी नहीं देता था, लेकिन कुरान का शौक बड़ा था। हर रोज एक आयत का सबक सीखते थे, एक आयत का। आज अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम घर से निकले एक आयत सीखने के लिए, वो भी क्या, अल्लाह के महबूब पैगंबर से मोहब्बत करने वाले शाही लोग थे, अल्लाह की कसम, जो गली की खुशबू से अंदाजा लगा लेते थे कि हमारे हबीब इस तरफ गए होंगे। घर से निकले, जिस रास्ते से खुशबू आई उस तरफ ही निकल पड़े, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करते जा रहे, हत्ता के जब आपकी खुशबू ज्यादा महसूस होने लगी तो वही जो गम सवार था, जिस मकसद के लिए घर से निकले थे, वही बोल भी बोल दिया, अल्लिमनी आयत या रसूल अल्लाह, अल्लाह के हबीब एक आयत का मुझे सबक सिखा दे। अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम आपसे एक आयत सीखने के लिए आया है। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशरिकीन मक्का के सरदारों के पास बैठे हुए, जिन्होंने शर्त लगाई हुई है कि अगर आप हमें अपनी बात सुनाना चाहते हैं तो जब आप हमारे पास हो तो ये गरीब लोग आपके पास ना आया करें, हमारी तोहीन होती, हमारी इंसल्ट होती, हम इसको अच्छा नहीं समझते कि ये गरीब छोटे तबके के लोग हमारे बराबर बैठे। अब अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रजी अल्लाह तआला ने, उनको चूंकि नजर नहीं आता था, उनको पता ही नहीं चला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किनके पास बैठे, उनको तो एक ही गम सवार था कि अगली आयत का मैंने सबक लेना है। उन्होंने वही बोल बोला, बार बार बोला, अल्लिमनी आयत या रसूल अल्लाह, अल्लाह के भी मुझे एक आयत सिखा दे। तब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माथे पे बल चढ़ाया, दिल में जो आया सो आया, मैं कुरान की बात कर रहा हूं, आपने माथे पे बल चढ़ाया और थोड़ा सा मुंह फेरा है। अल्लाह पाक को अपने हबीब की यह अदा पसंद नहीं आई। अल्लाह पाक ने उस नबी ने स्टूडेंट और कुरान के तालिब इल्म बैठे हो, तुम्हारी बड़ी शान है, मत एहसास से कम तरीका शिकार हुआ करो, फलां डिग्री ले गया, फलां ये ले गया, फलां ये ले गया। मेरे गांव में एक आदमी ने मैट्रिक में पूरे हवेली लखा को टॉप किया है और उसका रिजल्ट ये निकला है, पिछले दिनों उसने मां के सर पे मुक्का मारा है, उसका आधा दिमाग बंद हो गया। मेरे साहेब, अपने बच्चों को स्कूल पढ़ाओ
लेकिन ये नूरी इलम जरूर सिखाओ। इस नूरी इलम से दूर रखोगे दिल में अंधेरे छा जाएंगे, फिर तू बाप नहीं रहेगा, फिर बेटे को तू मां बाप की शक्ल में दिखाई नहीं देगा। वो यही समझेगा ये मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, मेरे सबसे बड़ा दुश्मन मेरा बाप है, मेरी मां है। अगर तू चाहता है औलाद तेरी आंखों की ठंडक बने, अपनी औलाद को कुरान सिखा। कुरान ये देख कुरान वाले की शान कितनी है। आज तू कुरान वालों को इंसान नहीं समझता, कुरान वाले आए तेरा खून खौलता है। ये मदरसे का स्टूडेंट है तेरा बेटा, कुरान वालों को इंसान नहीं समझता, उसको तूने तालीम दी है। तू मस्जिद में जाके बातें करता है, तेरे बेटे का किसी को, तेरे बेटे को किसी का पांव लग जाए तू झगड़ा खड़ा कर देता है मस्जिद में। मदरसे के स्टूडेंट ने मेरे बेटे की गुस्ताखी कर दी है, तूने हकीर जाना है अपने बच्चों के सामने कुरान वालों को, तो तेरी कदर तेरी शान तेरे बेटे के दिल में कहां से आएगी। मेरे हबीब फरमाते हैं सारे इंसानों के दिल अल्लाह की दो उंगलियों के दरमियान है, जिधर चाहे फेर दे। याद रख अल्लाह के हां शान और मुकाम कुरान वाले का है। कुरान से दूर करेगा बच्चे को, अल्लाह तेरे बेटे के दिल से तेरी मोहब्बत तेरा एहतराम निकाल देगा। ये देख कुरान वाला है एक आयत सीखने वाला है। अल्लाह के महबूब पैगंबर ने माथे पे बल चढ़ाया और मुंह फेरा है, अल्लाह ने फौरन उस कुरान के तालब इलम की शान में कुरान नाजल कर दिया। अब्बासा वतावल्ला वो जिब्रील अमीन जो कभी कुरान लेकर आता था मुख्तलिफ अलकाबात के साथ, या युहल मुज़म्मिल या युहल मुद्दस्सिर या युहर रसूल या युहन नबी वमार सलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। लेकिन आज अल्लाह भी जलाल में आ गए, कोई या युहल मुज़म्मिल या युहल मुद्दस्सिर नहीं। सीधी सादी बात है अबसा वतवल्ला अन जाअहुल आमा, उन्होंने माथे पे बाली चढ़ा लिया, उन्होंने मुंह फेर लिया, क्योंकि उनके पास एक नबीना आ गया था। वो अपने आप को पाक करना चाहता था, अपने अंदर को नूर से मुनव्वर करना चाहता था। आपको फिक्र इन मक्का के मुशरिक सरदारों की है, और जब सातवें इस पारे का ये मुकाम मेरी समझ में आया मेरी चीखें निकल गई। उस शहनशाह ने क्या कहा, ए मेरे हबीब ला तत्रुदिल्लदीन यदून रब्बहुम खौफं वतमा, मेरे हबीब आपका काम पहुंचा देना है, मनवाना नहीं है, जो मानता है माने जो नहीं मानता ना माने। लेकिन आपने कभी किसी मुशरिक सरदारों की खातर इन कुरान वालों को अपनी मजलस से दूर नहीं करना। फततरुदहुम फतकून मिन ज़ालिमीन, मेरे हबीब आइंदा अगर इन कुरान वालों को आप मजलस से दूर करेंगे तो फिर आप भी जालिमों में से हो जाएंगे। इसलिए मेरे साहेब मेरे महबूब पैगंबर का ताल्लुक भी कुरान वाले से, मेरे रब का ताल्लुक भी कुरान वाले से। इसलिए अपनी औलाद को बाकी डिग्रियों के साथ साथ कुरान पाक की डिग्रियाँ जरूर दिलवाएं, इससे ही औलाद की दुनिया भी बेहतर होती है आखरत भी बेहतर होती है। वालदैन का एहतराम कुरान सिखाता है, बड़े भाई का एहतराम कुरान सिखाता है, बहनों का अदब कुरान सिखाता है, रिश्तेदारों का एहतराम कुरान सिखाता है, उस्ताद का अदब एहतराम कुरान पाक सिखाता है। जिसके पास कुरान नहीं है उसके पास इंसानियत ही नहीं है। असल इंसानियत मुझे और आपको हमारी औलादों को कुरान सिखाएगा। जो कुरान से दूर है वो कुल कायनात से दूर है। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और आपको समझने की तौफीक अता फरमाए। वाकुल कौली हादा अस्तगफिरुल्लाह ली वलकुम वलिसाइरिल मुस्लिमीन।